में यूपी के नतीजे आए तो अखिलेश यादव ने मायावती और दलित वोटरों को जमकर कोसा था। इसके बाद अखिलेश की सियासत मुस्लिम वोट बैंक के आसपास घूमने लगी थी। अब 24 के चुनाव में यादव और मुस्लिम वोट बढ़ते दिख रहे हैं तो दलित वोटर मतदाताओं से गुहार लगाया जा रहा है। चार चरण के बाद टेंशन इतनी ज्यादा है कि दलित नेताओं से मेल मुलाकातें बढ़ गई हैं। हालांकि इन सब के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने सुनिश्चित कर दिया है कि नतीजों के बाद अखिलेश के पीडीए से डी गायब हो जाएगा। कैसे, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मोदी जी की जब बात होती है तो मोदी जी केवल सपने नहीं दिखाते, हकीकत बुनते हैं, और इसीलिए तो देश की जनता बार बार मोदी को चुनती है, बार बार चुनती है। बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आस्था रखते हैं, उनके रास्ते पर उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब न करें। सवर्ण वोटर अखिलेश के साथ नहीं, यादव मतदाता भी बटे हुए हैं। ओबीसी समुदाय भी पूरी तरह से अखिलेश के सपोर्ट में नहीं। मुस्लिम एक मुश्त होकर सपा को वोट करेंगे या नहीं, इस पर भी डाउट है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव दलित समुदाय से वोट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अखिलेश ये बात जानते हैं कि यूपी का 21% दलित वोटर किसी का भी गेम बिगाड़ सकता है। यूपी की 18 लोकसभा सीटों पर दलित मतदाता उनके कैंडिडेट को हरा सकता है। तभी तो अखिलेश यादव ने पांचवें चरण की वोटिंग से पहले दलित समुदाय से आने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये मैसेज देना चाहा कि जो मायावती को ना चुने वो बीजेपी के बजाय उन्हें वोट करें। मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आस्था रखते हैं, उनके रास्ते पर उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब न करें। जो इंडिया गठबंधन है उसकी मदद करें जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके। ए वीकर सेक्शंस, दलित, आदिवासी, पिछड़े और इन लोगों के जो हकूक है, रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन की भी हिफाजत करने का हमारा फर्ज है, क्योंकि संविधान बचा तो ये सारे चीजें बच जाते हैं। मुस्लिम वोट बैंक की खातिर रामलला से दूरी रखने वाले अखिलेश अपने पीडीए में डी का मतलब बार बार दलित बताते हैं। वो संविधान की दुहाई देकर एससी मतदाताओं से अपील करते हैं, लेकिन ये डर उन्हें अंदर ही अंदर सता रहा है कि दलित इस बार भी उनका गेम ना बिगाड़ दें। क्योंकि यूपी में 30-35% दलित मतदाताओं वाली 7 सीटें हैं, मोहनलालगंज, मिश्रिख, कौशाम्बी, धौरहरा, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। इनमें रायबरेली को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सीटों पर बीजेपी 2014 और फिर 2019 में जीत चुकी है। इसी तरह 25-30% दलित मतदाताओं वाली 9 लोकसभा सीटें, जिन पर 2019 के नतीजे और फिर उपचुनाव के हिसाब से सभी सीटों पर फिलहाल एनडीए का कब्जा है, जालौन, सीतापुर, टिटावा, अमेठी, मिर्जापुर, लालगंज, बाराबंकी, आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी। 22-25% दलित वोटों वाले झांसी और हमीरपुर भी बीजेपी के ही खाते में, यानी 18 में से 17 सीटें फिलहाल बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के पास है और अगले 3 चरणों में यूपी की इन्हीं सीटों पर मतदान होना है। इसीलिए अखिलेश 79 सीटें जीतने का शिगुफा छेड़ते हैं। मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूँ प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। 4 चरणों तक तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में बिजी रहने वाले अखिलेश को दलित वोटों की चिंता तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित समुदाय के संजय सोनकर को अपना प्रस्तावक बनाया। अखिलेश को दलित वोटर्स की याद तब आई जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ही दिन में दलित बहुल सीट हमीरपुर, जालौन और झांसी को तय कर दिया। अखिलेश को लगा अगर वो दुरुस्त नहीं हुए तो 11.7% जाटव, 3.5% पासी, 3.25% के करीब वाल्मीक, 1.2% गोंड, धानुक और खटीक, 1.2% और 1.6% अन्य वोटर्स कहीं उन्हें इस बार भी आईना न दिखा दें। क्योंकि पिछले 2 चुनाव का नतीजा कहता है बीजेपी और एससी वोटर्स में जितनी करीबी आई वो फ्यूचर में अखिलेश यादव के सियासी करियर पर फुल स्टॉप लगा सकती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जाटव वर्ग का 4% वोट मिला,
जबकि 11% नॉन जाटव दलित वोट मिले। समाजवादी पार्टी के मौजूदा सहयोगी कांग्रेस को 2014 में 2% जाटा समुदाय ने ही वोट किया और अन्य दलित सिर्फ 4%। वहीं इसके उलट देखें तो बीजेपी का ग्राफ आगे बढ़ा है। 2014 में 18% जाटव और 45% नॉन जाटव एससी वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया। बीएसपी को सबसे ज्यादा वोट मिला, जाटव वोट 68% और अन्य दलित 30%। एससी वोटर्स को अपनी तरफ मिलाने के लिए अखिलेश ने 2019 में मायावती से हाथ भी मिलाया, मगर तब भी वो बीजेपी की तरफ झुकने वाले दलित वोटरों को नहीं रोक पाए। 2019 में सपा बसपा को 76% जाटव वर्ग ने वोट किया, बाकी एससी वोटर्स 42% थे, जबकि बीजेपी को जाटव वोट 17% मिला और अन्य दलितों का वोट परसेंटेज भी 48 तक पहुंचा। कांग्रेस को इस चुनाव में जाटव वर्ग ने 1% और अन्य दलित का 7% वोट मिला। इस बार ना तो अखिलेश के साथ मायावती हैं और जिस तरह की चुनावी लड़ाई बीएसपी लड़ रही उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 21% वोटों की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी रहे थे, उन्होंने कहा था कि यहां पे जितने भी दलित महापुरुषों के स्मारक बने हुए इन सबको तोड़ करके यहां पर हम लोग कोई दूसरी चीज बनाएंगे। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बना हुआ कन्नौज का मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने हटा दिया था। बीजेपी यूपी में कभी सवर्णों की राजनीति करती थी, मगर मोदी के केंद्र में आते ही ट्रैक बदल दिया गया है। हिंदुत्व के खांचे में सामाजिक और राजनीतिक रणनीति फिट की जा रही है और इस सूत्र में दलितों को भी बांधने की काफी हद तक सफल कोशिश की गई है। वाल्मीकि जैसी कई उपजातियां हैं जहां आम जनमानस में हिंदुत्व का बोध गहरे तक बिठाया गया है। तभी तो 2012 में यूपी चुनाव में 5% बीजेपी को वोट देने वाले जाटव 2022 में 21% हो गए। गैर जाटव वोट बढ़कर भी 11 से 41% तक पहुँच गया। माना जा रहा है कि मायावती की पार्टी का राजनीतिक पतन बीजेपी के प्रति दलितों का विश्वास बढ़ा रहा है और विश्वास की यही धारा 400 पार के नारे को बुलंद कर रही है। 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। दलित समुदाय के दल के दलदल से ऊपर उठने की कोशिश पिछले कुछ सालों से जोर पकड़ रही है, तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट पीएम मोदी और योगी को दे रहे हैं। समाज की मुख्य धारा से सदियों तक कटे रहे समुदाय ने विकास के रास्ते पर बढ़ना सीख लिया है। वो मायावती से ज्यादा मोदी में अपना हित देखते हैं। दलित प्लस मुस्लिम की जिस कॉन्सेप्ट की बदौलत मायावती ने अपनी यूपी में जमीन बनाई थी उसी रणनीति पर अब बीजेपी काम कर रही है। इसीलिए असीम अरुण, बेबी रानी मौर्य, ब्रिजलाल, लालजी प्रसाद निर्मल और रामचंद्र कनौजिया समेत तमाम दलित नेताओं को पिछले 2 महीने से चुनावी मोर्चे पर एक्टिव कर रखा है। कोशिश यही है कि अखिलेश के शासन में यादव समुदाय के दबदबे में जिन दलितों का शोषण हुआ उनसे की गई समाजवादी मुखिया की अपील इस बार भी बेअसर हो जाए और दलित सांसद की भागीदारी बीजेपी में सबसे ज्यादा हो। पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना डरे देश के हित में, गांव के हित में, गरीब के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, समाज के प्रत्येक तबके के हित में उन्होंने निर्णय लिए। जाति नहीं देखी, चेहरा नहीं देखा, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा नहीं देखी, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी ने विकास कराया है। मोदी और योगी की जोड़ी सदियों तक संसाधनों से वंचित रखे गए इस वर्ग को पहचान दिला रही है, तो दलित समुदाय के नायकों का सम्मान और मान दिलाने की कोशिश हो रही है। मोदी महर्षि वाल्मीकि और सुपुत्र ऋषि को याद करते हैं, सुहेल देव को हिंदुओं का रक्षक बताते हैं, पासी राजा बालदेव और डालदेव राष्ट्रीय नायक की ख्याति में लाते हैं। दलित समुदाय के और भी महापुरुषों को बीजेपी याद करती है और फिर वंचितों को लाभार्थी योजना से जोड़कर जीने की राह दिखाई जा रही है। मोदी आज उनको भी पूछ रहा है जिनको पहले किसी ने नहीं पूछा। पीएम स्वनिधि योजना का जो प्रभाव हुआ है,
वो दिखाता है कि जब गरीबी गरीब को संबल मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। 75% लाभार्थी दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहन है, इसमें भी लगभग आधी लाभार्थी हमारी बहनें हैं। बीजेपी को यकीन है कि यूपी में इस बार वोट जात पात पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर पड़ेगा। हिंदुत्व की लहर तुष्टिकरण को हवा में उड़ा देगी और इसमें सपोर्ट दलित समुदाय का भी रहेगा। अगर 4 जून को आने वाले नतीजों में 80 समुदाय 50% से ज्यादा बीजेपी की तरफ झुक गया तो फिर अखिलेश के पीडीए का डी बिखरते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।